हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली आपको सोचना है। ठीक है, और ये चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप इस चैप्टर को प्रैक्टिकली करोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान होगी हर एक चीज़ को सोचना समझना। क्लियर है बात? तो देखो, एक हमारे पास में रूम है मान के चलो, और रूम किस शेप के अंदर होता है आपको भी पता है, क्यूबॉइडल शेप के अंदर होता है ना। रेक्टेंगल मत बोलना, क्यूबॉइडल शेप के अंदर होता है हमारा रूम। अब इस रूम के अंदर आपको पता है, आप जिस रूम में रहते हो वहाँ पर आपके 4 वॉल्स हैं। देखो आप भले, ठीक है, जहाँ पर भी आप बैठे हो देखो, अगर रूम में बैठे हो तो 4 वॉल्स आपको नज़र आ रही है। ठीक है, आपके चारों तरफ है, और एक सीलिंग होती है आपको पता है ना। सीलिंग आपके कहाँ पर होती है, छत जिसे कहते हैं, दिख रही होगी आपको, ऊपर फैन लटका हुआ होगा। ठीक है, एक होता है फर्श, फर्श आपको पता है ना, बिल्कुल फर्श होता है एक। ठीक है, तो फर्श जिस पे हम चलते हैं, मार्बल लगा हुआ हो सकता है, टाइल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सीमेंटेड फर्श भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का। तो मुझे एक बात बताइए कि फर्श जो होता है उसके ऊपर अपन वाइट वॉश करते हैं क्या कभी, जैसे वाइट वॉश हुआ या कलर हुआ, पेंट करते हैं? नहीं करते ना। हम कहाँ कहाँ पर करते हैं पेंट, हम करेंगे या तो 4 वॉल्स पे, 4 वॉल्स प्लस हम सीलिंग पे भी कर सकते हैं। अब देखो, कहीं कहीं पे क्या होगा, सीलिंग जो फॉल सीलिंग होती है ना, फॉल सीलिंग, तो वहाँ पर पेंट नहीं होता, ओनली 4 वॉल्स पे होगा। और कहीं कहीं पे क्या होगा कि हमारी 4 वॉल्स पे तो होगा और सीलिंग के ऊपर भी होगा पॉइंट। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीस। तो सीलिंग भी आई है और वॉल्स भी आई है रूम की, तो चार तो वॉल्स हो गई है ना, और सीलिंग भी हो गई। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन को समझ लिया? ठीक है, अब यहाँ पर अपन को समझना है कि जो हमारा टॉप मतलब जो हमारा सीलिंग होगा और जो हमारा बेस मीन्स जो फर्श होगा वो किस फॉर्मेट के अंदर होता है। आपको पता है ये टॉप एंड बेस ये दोनों LB के फॉर्मेट के अंदर होता है, L×B के फॉर्मेट के अंदर होता है। किस में होता है, L और B में कौन होता है अपना, टॉप और बेस। ठीक है, बाकी की जो 4 वॉल्स है वो BH मतलब बेस और हाइट, और LH L और हाइट के फॉर्म में होती है। इतनी तो क्लियर है बात? ठीक है, तो वो किस में होगा हमारा, L और B के फॉर्मेट में होता है। और L और B के फॉर्मेट का मतलब है कि हमारे कौन सा रह रहा है, एक हमें क्या नहीं लेना है, हमें नहीं लेना है फर्श को। फर्श क्या होता है, एक तरह से बेस होता है, और बेस मीन्स LB के फॉर्मेट में होता है। तो इसको LB को नहीं लेना है, एक LB को नहीं लेना है, एक LB तो आएगी लेकिन एक LB को नहीं लेना। ठीक है, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम अगर हम निकालें तो 2×LB BH और LH होता है। ठीक है, तो 2×LB BH और LH में से माइनस अगर हम कर दें एक LB को हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो क्या होगा, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, तो सिंपली बस हमें एक LB को लेस करना है, तो उससे हमारा TSA निकालना है कुल मिलाकर हमारे को रूम का। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं कैसे करेंगे। तो लेंथ ऑफ रूम हमें दिया हुआ है, आंसर हम करने जा रहे हैं, तो लेंथ ऑफ रूम कितना है हमारा, 5 मीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे को डायमेंशंस, उसके लिए लिख लेते हैं हम, ब्रेथ ऑफ रूम ये हमारे को दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से लिखना है आपको, और हाइट ऑफ रूम ये दी हुई है 3 मीटर। क्लियर है, तो तीनों डायमेंशन हमने लिख लिए। अब वाइट वॉश निकालना है, तो किसका निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया में से LV माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि चारों वॉल्स ले लो आप, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग कर देना, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग ये क्या होगा, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है हमारा 2×height और L+B, और उसमें प्लस कर देंगे हम LB, ये होता है हमारा 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का तो एरिया होता है 2×height L+B, और सीलिंग किस फॉर्मेट के अंदर होती है, LB के अंदर, तो LB हमने ले लिया।
तो ये हमारा एक तरह से रूम का वाइट वॉश का निकल जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी वाइट वॉश होगा उसका हमारा एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? टू इंटू हाइट एल प्लस बी होता है, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है, टॉप एंड बेस को हटा दिया हमने। एरिया ऑफ फोर वॉल्स मीन्स क्या हो गया, एक तरह से लेटरल सर्फेस एरिया हो गया, टॉप और बेस हमारा रिड्यूस। क्लियर है? तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम कर लेते हैं इसे, टू इंटू हाइट एल प्लस बी के अंदर वैल्यू को हम रख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसे। तो कैसे करेंगे इसे, तो हम कर लेते हैं टू इंटू हाइट क्या है हमारे पास में 3 मीटर, एल क्या है हमारी 5 प्लस बी क्या है हमारा 4 प्लस, एल इंटू बी करेंगे तो एल इंटू बी 5 इंटू 4। चलो अब देखो 2 3 जा 6 और 5 प्लस 4 9 प्लस 5 4 जा 20, 9 6 जा कितना होता है 54 होता है, 54 प्लस 20 तो 54 प्लस 20 हम कर सकते हैं 74 होगा। क्लियर है? तो 74। अब देखो ये जो एरिया निकला, एरिया किस में निकलता है, हमेशा स्क्वायर में निकलता है, यूनिट जो होती है स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर मीटर चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो 74 मीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो एरिया हमारा आ गया फोर वॉल्स का, है ना, फोर वॉल्स एंड सीलिंग का, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर द एरिया ऑफ फोर वॉल्स, द एरिया ऑफ फोर वॉल्स एंड सीलिंग इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालना है। इसने कहा ना सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50, तो टोटल एरिया तो हमारा निकल गया 74 मीटर स्क्वायर, और 74 मीटर स्क्वायर को अगर हम 7.50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगी ना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 7.50, तो 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 74 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7.50 से, सिंपल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Hence, the cost of whitewashing, the cost of white washing the walls of the room and the ceiling is equals to 7.50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके, 74 को, तो 7.50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7.50 मल्टीप्लीकेशन में 74, पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, 0 से 0 कट, 75 इंटू 4 कर लो, तो 75 इंटू 4 हम कर सकते ना, 75 इंटू 74, देखो 5 चौक 20, 7 चौक 28 29 30, 300 एंड 7 5 35, 7 7 49 50 51 52, 0555, तो 55500। अब देखो 5550 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 10 है, तो 0 से 0 कट, तो क्या आएगा 555555, तो 555 ये क्या आएगा एक तरह से रुपीज़, ये रुपीज़ के अंदर आएगा, कॉस्ट आई है ना, तो ये रुपीज़ में आएगी, तो 555 रुपीज़ हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो इतनी कॉस्ट लगेगी, 555 रुपये लगेगी हमारे को फोर वॉल्स पे और सीलिंग पे वाइट वॉश करवाने के, इतने पैसे लगेंगे हमारे 555 रुपये। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।